डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सी आई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेज। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। पिछली कुछ क्लासों में हमने बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ा था। मान लो कोई बिंदु आवेश है स्मॉल क्यू, इससे स्मॉल आर दूरी पर अगर अपने को विभव ज्ञात करना था तो उसका फॉर्मूला आता था के क्यू बटे में आर। क्लियर है? अगर आवेश धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक होता है, और आवेश अगर ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक होता था। ये हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की। तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, फिर उसके कारण विभव की गणना करेंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम विद्युत विभव बनाते हैं। यहाँ पर द्विध्रुव, सॉरी विद्युत द्विध्रुव, तो द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है। दोनों ही आवेश के परिमाण जो होते हैं वो समान हो गए, लेकिन एक माइनस का होगा तो दूसरा प्लस का होगा। ये द्विध्रुव है अपना। इस द्विध्रुव का नाम हम दे देते हैं ए बी। ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है ओ। द्विध्रुव की लंबाई मान लेते हैं 2L, तो ये लंबाई हो गई 2L, तो ये मध्य बिंदु है तो ये लंबाई L हो जाएगी और ये भी L हो जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये L है और ये लंबाई भी L हो जाएगी। क्लियर है? अब अपने को ये द्विध्रुव का अक्ष है, इसको हम X कहते हैं, और ये जो होता है अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा होती है इसको हम कहते हैं निरक्ष। क्लियर है? ये तो है अक्ष और ये होगा अपना निरक्ष। तो हम क्या करते हैं, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु ले लेते हैं। ये दूरी मान लेते हैं स्मॉल r है, तो यहाँ पर कोई बिंदु है P जहां पर अपने को विभव ज्ञात करना है। ये जो रेखा है OP इस द्विध्रुव की अक्ष से मान लो थीटा कोण बना रही है, तो ये कोण है थीटा। अब देखो होगा क्या, जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो P पॉइंट है ये अक्ष के ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये जो P बिंदु है ये निरक्ष पर आ जाएगा। तो इससे ही हमारे जो दोनों डेरिवेशन हैं अक्ष पर विद्युत विभव और निरक्ष पर विद्युत विभव, तो दोनों निकल जाएंगे। क्लियर है? तो देखो P बिंदु पर जो विभव होगा वो किसकी वजह से होगा, तो आंसर है इस माइनस आवेश के कारण भी होगा और इस प्लस आवेश के कारण भी होगा। तो हम मान लेते हैं इस माइनस आवेश के कारण जो P बिंदु है यहाँ पर जो विभव है वो है V1, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर जो विभव है उसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, डायग्राम अच्छे से बन जाएगा। उसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लो, बी बिंदु है तो ये है। मान लो इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये जो विभव है यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं V2। ये जो दूरी है आवेश माइनस क्यू की इसको हम मान लेते हैं R1, ये वाली दूरी AP, और ये जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं R2। क्लियर है? तो ध्यान देना, इस P बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव है वो तो है V1, और प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर जो विभव है वो है V2। इसलिए P बिंदु पर परिणामी विभव निम्न हो जाएगा, P बिंदु पर परिणामी विभव विभव V निम्न होगा। तो परिणामी विभव निकालेंगे तो दोनों विभव को जोड़ देंगे तो V बराबर हो जाएगा अपना V1 प्लस V2। अब देखो ये भी बिंदु आवेश है और ये भी बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ा था
बी इक्वल्स टू होता है के क्यू बटे में आर, क्लियर है। तो इस आवेश के कारण जब हम विभव निकालेंगे यहाँ पर तो दूरी हम आर वन लेंगे, और इसके कारण जब निकालेंगे तो दूरी हम लेंगे आर टू। तो देखो वी वन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर के आवेश है यहाँ पर माइनस क्यू अपॉन में दूरी है आर वन, प्लस में वी टू हो जाएगा के क्यू, क्यू की जगह यहाँ पर रखेंगे हम प्लस क्यू बटे में इस आवेश से इसकी दूरी बिंदु की, तो यह है आर टू। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये हो जाएगा के क्यू दोनों में से कॉमन ले लो तो इधर बच जाएगा माइनस एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू। इसको हम ले देते हैं समीकरण एक। अब अपने को देखो क्या करना है, आर वन और R2 दोनों की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों वैल्यू आते ही अपना जो डेरिवेशन है वो सोल्व हो जाएगा। तो इस R1 और R2 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि जो द्विध्रुव होता है इसकी जो लंबाई होती है, ये 2L जो लंबाई है इसकी, ये बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है। तो ये दूरी भी बहुत छोटी होगी और ये वाली दूरी भी बहुत छोटी होगी। अगर ये दूरी बहुत छोटी है तो देखो क्या होगा, अगर हम इस लाइन PO को आगे बढ़ाएं और यहां से इस पे लंब डालें बिंदु A से, ऐसे ही इस बिंदु B से भी इस वाली लाइन के ऊपर अगर हम लंब डालें ये, तो ये लंबाई छोटी होने के कारण क्या होगा, ये जो दूरी है PA ये वाली, और ये जो दूरी है P, इसको कुछ भी नाम दे दो, हम M नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं N। तो ये जो दूरी है AP और ये जो दूरी है PM, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, देखो इसको ध्यान से देखना, इसको मैं बहुत छोटा सा बना के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से फील हो। तो देखो ये बिंदु है अपना P और ये मान लो अपना द्विध्रुव है, छोटा सा मानते हैं उसको, और भी बहुत छोटा होता है इससे भी। तो होगा क्या, ये जो दूरी होगी और ये जो दूरी होगी ये वाली, सॉरी ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये जो दूरी है ये तो बिल्कुल नाक के बराबर है, इसलिए ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पास पास होंगे, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। तो देखो होगा क्या, तो यहाँ तक इक्वेशन स्पष्ट हो गया ये। अब अपने को R1 और R2 निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि द्विध्रुव की लंबाई, यहाँ पे हमने उसको 2L माना है, अति अल्प होती है होती है, अतः दूरी AP जो है ये बराबर हो जाएगी PM के, तो हम लिख देंगे AP लगभग बराबर हो जाएगी PM के। ऐसे ही देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी दोनों बराबर हो जाएंगी, तो हम लिख देंगे PB बराबर PN, PB बराबर PN। क्लियर है। अब ये जो AP है, AP यही अपना R1 है, तो इसको तो हम लिख देंगे R1 बराबर PM। देखो ये जो PM है, PM इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PO प्लस OM, इसको हम लिख देंगे PO प्लस OM। क्लियर है। ऐसे इधर देखो जो PB है ये अपना R2 है, तो इसको हम लिख देंगे R2 बराबर पी एन। देखो ये जो पी एन है इसको हम लिख सकते हैं पी ओ माइनस ओ एन, देखो ये हो जाएगा पी ओ माइनस ओ एन। अब यहाँ पर देखना जो पी ओ है, ये वाली जो दूरी है ये तो अपनी आर है पी ओ, और ये दूरी और ये दूरी अब अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये कोण थीटा है तो उसके सामने ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा थीटा,
अब ये दूरी जो है ये L है, तो इसका इधर जो घटक होगा ये हो जाएगा L cos थीटा। तो यहाँ से देखो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी L cos थीटा, तो ओ एम हो जाएगा L cos थीटा। ऐसे ही देखो ये जो दूरी है ये है L, इसका इधर घटक लेंगे तो ये हो जाएगा L cos थीटा, तो ओ एन भी कितना हो जाएगा L cos थीटा। अब ये मान रख देते हैं यहाँ पर, तो देखो R1 आ जाएगा अपना, R1 इक्वल्स टू हो जाएगा PO, PO की जगह हम रख देंगे R प्लस OM, OM की जगह लिख देंगे L cos थीटा। ऐसे ही था देखो R2 इक्वल्स टू PO, PO हो जाएगा अपना R माइनस ON, ON की वैल्यू कितनी आ गई है L cos थीटा, रहेगा L cos थीटा। अब आप क्या करो, स्क्रीन को एक बार पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, बाकी आगे अभी स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण जो एक है इसमें अब R1 और R2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा देखो V इक्वल्स टू हो जाएगा KQ ब्रैकेट माइनस 1/R1, तो माइनस को ऐसे रहने देंगे 1/R1 की वैल्यू देखो है R प्लस L cos थीटा, तो हो जाएगा R प्लस L cos थीटा प्लस में 1/R2, तो R2 की वैल्यू रख देंगे हम R माइनस L cos थीटा, तो हो जाएगा 1/R माइनस L cos थीटा। क्लियर है? अब देखो इसमें इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू के क्यू, तो ये एलसीएम ले लो R प्लस L cos थीटा इंटू R माइनस L cos थीटा, ये हमने एलसीएम ले लिया, तो ये वाला जो टर्म्स है ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा R माइनस L cos थीटा, आगे माइनस है R माइनस L cos थीटा प्लस, तो ये इधर चला जाएगा R प्लस L cos थीटा। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो देखो ये माइनस का R है और ये प्लस का हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से के क्यू माइनस R प्लस L cos थीटा प्लस R प्लस L cos थीटा। अब R से R यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड ये देखो R प्लस L cos थीटा है और R माइनस L cos थीटा है, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी, ये देखो फॉर्मूला होता है पढ़ा होगा आपने मैथ में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से इसको हम ओपन कर देंगे, तो इसको हम a मान लेते हैं इसको b, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लो, देखो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू के क्यू एल कोस थीटा, और एल कोस थीटा ये हो जाएगा 2L cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक लाइन और है जो अपने को समझनी है, तो देखो द्विध्रुव की जो लंबाई है 2L वो बहुत स्मॉल होती है, बहुत अल्प होती है, तो 2L बहुत छोटा है तो L और भी छोटा हो जाएगा, और बहुत छोटी संख्या का जब हम स्क्वायर करेंगे, मतलब L का जब स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटी हो जाएगी। जैसे सपोज दैट मान लो L की वैल्यू है 0.01, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है देखो 0.0001, तो और भी छोटा हो गया। तो यहाँ पर जो एल स्क्वायर होगा ये इस आर की तुलना में बहुत छोटा होगा, इसलिए हम एल स्क्वायर को यहाँ पर नगण्य मान सकते हैं इस वाले टर्म्स को। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई अति अल्प होती है,
अतः आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। ये लाइन ध्यान रखनी आपको, ये द्विध्रुव के जितने भी डेरिवेशन हम पढ़ते हैं सब में हम काम में लेते हैं, क्लियर है। तो इस वाली टर्म को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, इसको जीरो मान लेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा फॉर्मूला अपना, v इक्वल्स टू के क्यू इन टू टू एल कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर माइनस जीरो। तो जीरो को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो चला गया तो आर स्क्वायर में से। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखना, आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा था p इक्वल्स टू क्यू इन टू टू ए या टू एल, क्लियर है कि नहीं। q इन टू टू एल को हम p लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर देखो ये q और ये 2l है, q इंटू टू एल, इसकी जगह हम पुट कर देंगे p। तो देखो फॉर्मूला अपना बन जाएगा फाइनली v इक्वल्स टू के पी, इसको p लिख दिया हमने, cos थीटा बटे में r स्क्वायर, क्लियर है। तो ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला। अब जब हम अक्ष पे निकालेंगे तो देखो क्या करना है अपने को, अक्ष पे जब निकालना है तो थीटा की वैल्यू जीरो कर देंगे, तो थीटा जीरो होते ही ये जो पी पॉइंट है ये अक्ष पे आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई तो ये जो पी पॉइंट है ये निरक्ष पर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अक्ष और निरक्ष दोनों पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके एक बार स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लो।